हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों यूट्यूब के मोनेटाइजेशन को लेकर एक क्या काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं आज की डेट पे। ठीक है, जो यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे, ठीक है, जो यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना यूट्यूब का, उससे आया। ठीक है, अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों यूट्यूब क्या है, डे बाई डे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। मतलब जो छोटी मोटी चीज़ है ना, उन पे भी हो सकता है आपके पास स्ट्राइक आ जाए यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब फ्रेंडली गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं आज। ठीक है, अच्छा छोटी मोटी भी कुछ थोड़े बहुत भी गलती आप कर देते हो ना, तो आपका जो चैनल या एडवर्टाइज फ्रेंडली उसके अंदर आपकी वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, या येल्लो डॉलर हो जाएगा या फिर मोनेटाइज ही नहीं होगा, आपको एड ही सर्व नहीं किया जाएगा, आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत कुछ चीज़ें यूट्यूब पे बदल रही है, डे बाई डे बदलती जा रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम पर फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो सकती है यूट्यूब की चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है यूट्यूब अब। ठीक है, एक एक चीज़ आपको जाननी जरूरी है, एक एक चीज़ के बारे में सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पर टिक नहीं पाओगे भाई। ठीक है, आप यूट्यूब पर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन नहीं सकते हो। तो जो भी रूल्स आते हैं उसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो चलिए अभी कुछ नए अपडेट्स आए हैं यूट्यूब के, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोनेटाइजेशन गाइडलाइंस को लेकर आए हैं। ठीक है, यूट्यूब का जो मोनेटाइज गाइडलाइंस, एडवर्टाइज आपके फ्रेंडली है या नहीं है, उस पर ऐड चलेंगे या नहीं चलें, ग्रीन डॉलर होगा, येलो डॉलर होगा, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं कि स्ट्राइक भी आ सकती है आपको। ठीक है, ये तो यूट्यूब पर चलता ही आ रहा शुरू से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो भाई मैं अब आपको बता दूं, जो भी अपडेट आया है उसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है पूरा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब ऑफिशियल यूट्यूब का जो ऑफिशियल चैनल है क्रिएटर इनसाइट, ठीक है, उसमें आज मॉर्निंग में ही सारी अपडेट आई हैं, आज और कल दो दिन से आई रही है। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या क्या अपडेट आई हैं। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कॉन्टेंट गाइडलाइंस, ठीक है, लिंक दिया आपको, उसमें पढ़ सकते हैं आप उसमें। ठीक है, आप उसको खोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाए, बाकी मैं फिर भी आपको बताता हूँ। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ क्या क्या अपडेट है। अब दोस्तों एडवर्टाइज फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन, ठीक है, हेयर आर फॉर द मेन टॉपिक दैट आर नॉट एडवर्टाइजर फ्रेंडली। ठीक है, ये जो है मेन टॉपिक्स हैं उसमें। ठीक है, उन टॉपिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको क्या होगा, स्ट्राइक आ सकता है, मोनेटाइज नहीं होगा। पहला रूल, इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अब ये क्या है, इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या है? अब ये क्या होता है, ये ज़्यादातर रोस्टिंग चैनल्स में आता है। ठीक है, जैसे गाली गलौज करना, ठीक है, अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करना, गलत बात है। ठीक है, जो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। अच्छा, पहले क्या होता था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाली गलौज होती थी, बहुत ज़्यादा गंदा बोलते, जब जाके यूट्यूब जाके बस डॉलर को येलो कर देता। लेकिन अब यूट्यूब का क्या कहना है दोस्तों, नए अपडेट के हिसाब से, कि अगर आप छोटी सी भी कोई गाली या गलत शब्द का इस्तेमाल करते हो, लाइटली भी बिल्कुल, ठीक है, वीडियो में आ जाती है, तो आपको हो सकता है येलो डॉलर मिल जाए तुरंत। ठीक है, आपका एडवर्टाइज फ्रेंडली के अंदर नहीं आएगी वो वीडियो। ठीक है, अब दोस्तों ये ज़्यादा इफेक्ट पता है किसको करेगा, सिर्फ रोस्टिंग चैनल को, जो रोस्टिंग वगैरह करते हैं, रोस्टिंग चैनल है जिनके, ये इसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा इन चैनलों को। ठीक है, क्योंकि येलो डॉलर से लोग वैसे ही परेशान हैं कि, और अगर अब आप छोटी मोटी भी गलती करते हो तो भी जो है यूट्यूब उसको डिटेक्ट करते हैं, जो गाली आप डाल देते हो, और आपकी वीडियो को येलो डॉलर कर देगा बस। पहले जैसे क्या होता था, छोटी मोटी लाइटली भी कोई गाली दे दी, यूज़ करता था कोई, तो वो चल जाता था। ठीक है, बट अब यूट्यूब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब छोटी मोटी गाली भी आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों है पहला अपडेट। ठीक है, अब दूसरा अपडेट यहाँ पर है वायलेंस। वायलेंस का मतलब आप जानते हो, ठीक है, जैसे झगड़ा हो गया, ठीक है, कहीं पे कुछ मारपीट हो रही है, ठीक है, उसके बारे में आपने वीडियो बना दी है, वो भी एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, थर्ड है दोस्तों एडल्ट कंटेंट। एडल्ट कंटेंट आप जानते हो, सेक्सुअल कंटेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी अगर आप डालते हो जो कि 18 प्लस नहीं होता है, ठीक है, रूल के अनुसार उनके, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा आप। ठीक है, शॉकिंग कॉन्टेंट, अब शॉकिंग कॉन्टेंट आप उसमें देख सकते हो, शॉकिंग कॉन्टेंट है, ठीक है, उठाई डिटेल है उसमें। ठीक है, अब कंटेंट दैट में, अब से क्या है, शॉकिंग में शॉक व्यूअर, ठीक है, एडवर्टाइज सूटेबल नहीं होंगे वो भी। ठीक है, उसमें सारी डिटेल है, कोई
बाकी जो मेन मेन टॉपिक हैं वो है हार्मफुल और डेंजरस एक्ट। हार्मफुल और डेंजरस एक्ट वो भी आप समझ रहे हो बिल्कुल ठीक है। मान लो कहीं पर आप बहुत जब बड़ा जैसे कि बम बम आपने फोड़ दिया ठीक है, फायर क्रिएट कर दिया आपने, बड़ी फायरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी डेंजरस एक्ट के अंदर आ जाता है ठीक है, वो हार्मफुल एक्ट हो जाता है ठीक है। हेटफुल और हेटफुल तो आपको खुद पता है किसी के बारे में गलत बोलना विदाउट परमिशन के ठीक है, कुछ भी हेट कर देना, ये सारे हेटफुल में आते हैं ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक है रिक्रिएशन ड्रग रिलेटेड कंटेंट, वहाँ पर अगर आप जाकर उसे रीड करोगे डिटेल में तो वहाँ पे लिखा गया है। अब क्या है स्मोक, स्मोक को लेकर भी नया अपडेट आ रहा है। जैसे पहले क्या होता है स्मोकिंग का करते थे किसी वीडियो में, मान नीचे लिखा था स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, तो आपको वो एडवर्टाइज फ्रेंडली हो जाता था ठीक है ग्रीन डॉलर। बट अब यूट्यूब का ये कहना है कि अगर आप स्मोक वगैरह भी करते हैं तो वो भी हो सकता है कि आपके चैनल के वीडियो येलो डॉलर हो जाए ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई ठीक है। मतलब यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है अब ठीक है। एक है दोस्तों वहाँ पे 0.5 आर्म्स रिलेटेड ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ में वीडियो बनाते हैं अगर आप तो भी आपका येलो डॉलर हो सकता है। कॉन्ट्रोवर्सी जैसे किसी की चल रही है कॉन्ट्रोवर्सी, आप उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं ठीक है। अब दोस्तों इनएप्रोप्रिएट कॉन्टेंट फैमिलीज, किड्स के लिए, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके अगर आप प्रिपरेट बनाते हैं कंटेंट ठीक है तो भी होगा ठीक है, बहुत सारे हैं उसमें। मैंने आपको पहले ही बता दिया है स्मोक से रिलेटेड भी ठीक है, अब आप नहीं दिखा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब डे बाय डे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है मतलब ठीक है, काफ़ी सारे चेंजेस ला रहा है यूट्यूब और आने वाले टाइम में यूट्यूब और भी चेंजेस लाएगा ठीक है। अब दोस्तों आज की जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए दो कैटेगरी को इफेक्ट करेगा, पहला रोस्टिंग चैनल और दूसरा एंटरटेनमेंट वाला चैनल, इन दो को तो ये जो अपडेट्स आई हैं जरूर इफेक्ट करेंगी ठीक है। स्मोक वगैरह दिखाते हैं जैसे एंटरटेनमेंट में ठीक है, क्योंकि उस पर एक्ट करना उन्हें, और रोस्टिंग में आपको पता है गलत बोलना ठीक है। अच्छा हो सकता है यूट्यूब उसके लिए कुछ और भी रोल बना दे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इन अपडेट्स के हिसाब से जो ये लेकर आए हैं जो मैंने वीडियो में बताया है, रोस्टिंग और एंटरटेनमेंट ज़्यादा आएगा। आप लोग भी बताना कि यूट्यूब से आप कितना हैप्पी हो या कितने गुस्से में हो, यूट्यूब इतने ज़्यादा अपडेट कर रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आपको नहीं लग रहा आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ठीक है। पहले क्या होता था यूट्यूब पे दोस्तों कुछ भी चल जाता था, कुछ भी डाल दो, कुछ भी बना के डाल दो, कुछ भी कर दो ठीक है, इतनी जल्दी स्ट्राइक भी नहीं आती थी ठीक है, ऐड भी आने शुरू हो जाते थे ठीक है, पैसे भी आने स्टार्ट हो जाते थे, इंसान पैसे भी कमाता। लेकिन आज की डेट में पैसे कमाने काफ़ी ज़्यादा डे बाई डे मुश्किल होता जा रहा है ठीक है, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है, मुझे खुद ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना ये अपडेट्स आपको कैसे लगे, एंड वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद वंदे भारत।